नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कोटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशखबरी की जानकारी देने के लिए आज आपके साथ आया हूँ, क्योंकि आपने अभी इस हाल में बहुत सुना होगा आरपीओ वैकेंसी के बारे में, आरपी वैकेंसी आउट, आरपी वैकेंसी का उसका पूरा मामला क्या है, वो मामला पूरा समझते हैं। साथ में लोको पायलट एंड टेक्नीशियन भर्ती का क्या स्टेटस है, रेलवे की कौन सी भर्ती आने वाली है और कौन सी भर्ती आने में थोड़ी देरी होने की संभावना है, और जो लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की जीडीसी चल रही है उनका क्या मामला चल रहा है, इन सभी के बारे में आज पूरी रेलवे के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साझा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल परसों से कोई वीडियो आए थे तो जिसके कारण मैं जिस भी क्लासरूम में गए तो बच्चों ने हर बार मुझे कहा कि आरपी वैकेंसी के बारे में बताओ सर, लोको पायलट वैकेंसी के बारे में बताओ। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक वीडियो बनाकर पूरी डिटेल आपको आराम से A to Z संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपको अनिवार्य है और आपको जाननी जरूरी है यदि आप रेलवे की किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो रेलवे वैकेंसी की भर्ती की संपूर्ण जानकारी, सबसे पहले संपूर्ण जानकारी में हमारे पास आती है आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। इस आरपीएफ का जैसे ही नोटिस आपके सामने आया तो नोटिस के बाद में हलचल तेज हुई कि ये नोटिस है तो इस नोटिस का क्या मायने लगे। ये नोटिस सिंपली ये कहता है कि देखो कि पहले आरपीएफ है जो कांस्टेबल की वैकेंसी खुद पूरा प्रोसेस कराता था, एसआई की वैकेंसी खुद प्रोसेस कराता था, लेकिन अब की बार इन्होंने कहा कि सारा प्रोसेस आरपीएफ नहीं करेगा, एक भाग तो आरआरबी करेगा, दूसरा भाग आरपीएफ करेगा। देखो कि मैं आपको बता दूं, आरपीएफ एक अलग डिपार्टमेंट है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हिसाब से पुलिस की सेवा पूरी, और दूसरा है एक आरआरसी डिपार्टमेंट है, एक आरआरबी डिपार्टमेंट है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो सामान्यतः ग्रुप सी की वैकेंसियों को कंडक्ट करवाता है, आरआरसी है जो ग्रुप डी की वैकेंसियों को कंडक्ट करवाता है। लेकिन कई बार आरआरबी को ग्रुप डी की वैकेंसी कंडक्ट कराने के लिए दी गई थी, जैसे 2018 की वैकेंसी में दी गई थी, और इसी प्रकार अब की बार आरपीएफ की वैकेंसी भी आपके आरआरबी को दी जा रही है। तो अब जब वैकेंसी दी जा रही है तो वैकेंसी का पैटर्न क्या होता है कि पहले होगा इसका एग्जाम और फिर होगा इसका फिजिकल टेस्ट, क्योंकि यदि आप आरपीएफ में सिलेक्शन होते हैं तो आप कांस्टेबल के तौर पर सिलेक्शन होंगे या एसआई के तौर पर सिलेक्शन होंगे, कांस्टेबल है तो भी फिजिकल होगा और एसआई है तो भी फिजिकल होगा। तो फिजिकल होगा तो जो फिजिकल टेस्ट लेगा वो आरपीएफ ने कहा हम खुद लेंगे, हम अपने हिसाब से लेंगे फिजिकल टेस्ट और उसकी कंडीशन सारी हमारी रहेगी, लेकिन जो इसका रिटर्न एग्जाम है वो कौन रिटर्न एग्जाम ले लेगा, आरआरबी। अच्छा, अब इसका मायना क्या है, हम तो पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो इसका मायना है कि पेपर का पैटर्न में थोड़ा बदलाव आएगा। पेपर का पैटर्न बदलाव क्यों आएगा, क्योंकि आप देख लो जब आरआरबी वैकेंसी कंडक्ट करवाती है जो पेपर का पैटर्न होता है आरआरबी का, वही आरआरबी अपना पैटर्न आगे जारी रखती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, क्या क्या सिलेबस में वो भी मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन पेपर का पैटर्न है जो परिवर्तन होने होते रहता है वो आरआरबी अपना पैटर्न जारी रखती है। आरपीएफ की वैकेंसी और आरआरबी की वैकेंसी के परीक्षा पैटर्न में हल्का अंतर है जो कि हम अभी थोड़ी देर में सिलेबस समझेंगे तभी हमें पूरी बात समझ में आएगी। तो इन्होंने कहा कि भाई एग्जाम कौन कंडक्ट करवा देगा, आरआरबी, और पीटी फिजिकल टेस्ट कौन करा देगा, पीटी के दो या पीएमटी के दो, ये करा देगा आरपीएफ। इस नोटिस के बारे में बताया गया कि 16 अक्टूबर तक इस नोटिस का पूरा जवाब दिया जाए, और इसके बारे में नोटिस यही कहता है। जब यही नोटिस कहता है तो हम पुराने खजाने से पुरानी वाली भर्ती को खंगाल के लाते हैं कि उस भर्ती की बेसिक क्राइटेरिया क्या है आरपीएफ का। आरपीएफ का है कि सबसे पहली बात है कि पिछली बार जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, कांस्टेबल की वैकेंसी के ये पद थे और ये थे एसआई के वैकेंसी के पद आरपीएफ में। आरपीएफ में जब वैकेंसी आती है तो मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी होती है। पिछली बार मेल की वैकेंसी थी 4403 कांस्टेबल की और फीमेल थी 4216, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। फीमेल कैंडिडेट अलग से इतनी होती है तो अच्छे नंबर होते हैं। अब की बार इनकी संख्या काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जब भी वैकेंसी काफी लेट आती है पदों की संख्या बढ़ जाती है, और आजकल आरपीएफ का खुद का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जितनी ज्यादा ट्रेनें चल रही है, जितने ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनको हर एक सुविधा का ध्यान रखा जाता है, तो उसी हिसाब से पुलिस सर्विस में भी इनको कैंडिडेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो वैकेंसी के नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी रेलवे में हर डिपार्टमेंट बढ़ेगी, उसके भी सबके ऑब्जेक्टिव कारण है। और ऐसे की वैकेंसी कितनी है, तो मेल की 819 थी और फीमेल की 301 पद थे पिछली बार। तो ये तो थे एसआई के लिए और ये थी कांस्टेबल की। इनकी मेरिट भी ग्रुप वाइज आती है, जैसे ग्रुप ए की मेरिट अलग है, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, डी की, ई की, एफ की, सबकी मेरिट अलग अलग है। तो इनकी मेरिट सदैव किसके वाइज जाएगी, तो मेरिट इनके ग्रुप वाइज जाती है।
गुरु भाई जी ये कहता है साउथ रीजन कौन सा है, साउथ वेस्टर्न रीजन कौन सा है, या साउथ सेंट्रल रीजन कौन सा है, इस प्रकार के सारे अपने ग्रुप में बांटे गए, तो ग्रुप वाइज इनकी मेरिट जाती है। जब मेरिट जाएगी वैकेंसी, ये तो पुराने वाले पद है, लेकिन एक्चुअल में इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कहेंगे साहब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा का पैटर्न है, यहाँ पर एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका एक एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम को कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। सीबीटी जो होगा मेरिट इसी सीबीटी से बनाई जाती है, और ये जो सीबीटी कौन कंडक्ट करवाएगा, तो आप कहेंगे सर ये सीबीटी तो आरआरबी कंडक्ट करवाएगा, बिल्कुल इस सीबीटी को आरआरबी कंडक्ट करवाने वाला है। और इसके बाद में यहां से कैंडिडेट को पास करके फिजिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। फिजिकल है जो ओनली क्या है, क्वालिफाई है, ओनली क्या है, क्वालिफाई। यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है, यदि यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुआ तो विद्यार्थी क्या होगा, कैंडिडेट क्या हो जाएगा, बाहर। क्वालिफाई हो गया तो फिर डीवी करेगा, डीवी के बाद में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रोसेस होता है आरपीएफ का ये। इस प्रोसेस में सबसे पहला क्या है, सीबीटी वन, दूसरा क्या फिजिकल टेस्ट, तीसरा डीवी, और उसके बाद ये। तो मुझे आपको फिजिकल टेस्ट भी समझाना है, मुझे एज के बारे में बताना है, और मुझे इसका सिलेबस के बारे में बताना है, और सिलेबस में परिवर्तन होने की क्या संभावना है इस, और ये लोको पायलट भर्ती वाले तैयारी कर रहे हैं उनके ये किस प्रकार हेल्पफुल नेचर में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी एज क्वालिफिकेशन के, कांस्टेबल के लिए जरूरी एज कितनी चाहिए, तो कांस्टेबल एज, कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल का और मैक्सिमम 25 साल का होना चाहिए, जबकि एसआई के लिए मिनिमम कितने साल का चाहिए, 20, मैक्सिमम एज इनमें भी कितना है, 25। तो एज का एक फिक्स क्राइटेरिया है जो कि काफी कम रहता है, क्योंकि किसी भी फोर्स की भर्ती में एज का क्राइटेरिया यही रहता है। जो कांस्टेबल है इसमें 10th पास है, इसमें क्या है, 10th पास, जबकि हमारे इस एसआई में ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। कोई बंदा कहेगा मेरा ग्रेजुएट चल रही है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ग्रेजुएट कंप्लीट होनी अनिवार्य है, ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है। ये तो है दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आता है कि इसके फिजिकल मेजरमेंट क्या है। भाई यदि आपकी डिफेंस की वैकेंसी है तो फिजिकल मेजरमेंट तो लेगा वो, कि आपकी हाइट क्या चाहिए, आपका चेस्ट क्या चाहिए, तो ये तो सब कुछ लेगा ना। तो इसके लिए उन्होंने अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 165, और फीमेल कितनी होनी चाहिए, 157। एससी एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट हो गई है, और जो गोरखा वगैरह है, गोरखा मराठा, उनको 163 दिया है। क्लियर। जैसे चेस्ट के बारे में बात करोगे, चेस्ट क्या है, ओनली फॉर मेल। मेल में बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद में क्या हो जाना चाहिए, 85। बिना फुलाए 80, फुलाने पर 85। एस सी एस टी को बिना फुलाए 76.2 और फुलाने के बाद में 81.2, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना सीना अनिवार्य है। यह है फिजिकल मेजरमेंट किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। तो जैसे ही आप इसके लिए मेजरमेंट के लिए आएंगे एसआई के लिए, तो आप कहेंगे सेम 165 157, सेम 80 85, डिटो सेम है। जो कांस्टेबल में है ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, तो ये कांस्टेबल के लिए है, जो कांस्टेबल की है वही कंडीशन किसकी है, एसआई की। तो दोनों में सेम एक नहीं है, तो आप कहेंगे जी डिटो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। आगे क्या आएगा, आगे आएगा सिलेबस। जो सिलेबस है इस, चाहे आप कांस्टेबल के विद्यार्थी हैं और चाहे आप एसआई के विद्यार्थी हैं, दोनों का सिलेबस में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये इसका प्रोसेस होता है। जो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से 50 सवाल तो जनरल अवेयरनेस होते हैं। जनरल अवेयरनेस में विशेष रूप से जीके पूछा जाता है, लास्ट में जो जनरल साइंस लिखा हो ना, इसके 6-7 सवाल आते हैं। टोटल 50 में से 42-43 नंबर का सवाल है जो जीके पूछा जाता है। यह जीके का काफी ज्यादा वेटेज है और साइंस का वेटेज थोड़ा क्या है, कम है। अब मैथ कितनी पूछी जाती है, 35 नंबर की, और रीजनिंग कितने नंबर की है, 35 नंबर की। देखो मैथ में पहले तो क्या था कि केवल अर्थमेटिक था, और इसमें एडवांस में मानो तो आप केवल क्या मान सकते हैं कि मेंसुरेशन था, क्षेत्रमिति थी। इसके अलावा एडवांस का इसमें कोई सिलेबस है नहीं है, ये ओरिजिनल सिलेबस है। जबकि यदि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो इसमें अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी आएगा। अभी तो इन्होंने ऊपर लिख रखा खुद ने कि ओनली क्या है, अर्थमेटिक। आरआरबी कंडक्ट करवाएगा तो एडवांस आने की संभावना है। जैसे ग्रुप डी में आता है, एनटीपीसी में आता है, लोको में आता है, आपके जेई में आता है, आरपीएम में क्यों नहीं देगा, दे सकता है। ग्रुप डी में दे सकता है तो आरपीएम में भी दे सकता है। तो वहां पर आरआरबी का फिक्स पैटर्न है।
उसमें आपके एडवांस आने की संभावना रहेगी। रीजनिंग है जो लगभग सेम ही है रीजनिंग, और थोड़े से सवालों के लेवल का फर्क होता है, तो रीजनिंग है यहाँ 35 नंबर की आएगी। और जो बेसिक रीजनिंग है यहाँ पर कंप्लीट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, सिलोलिज्म है, ये सब कुछ आजकल रेलवे भी काफी ज्यादा पूछने लग गया। तो सिलेबस है ये, जो कि कॉन्स्टेबल और SI का सिलेबस डिटो, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट, कॉमन और सेम सिलेबस है। क्लियर? आप देखो कि ये सिलेबस है, आप पास करेंगे एग्जाम, एग्जाम जैसे पास करेंगे, आप देना चाहेंगे फिजिकल, फिजिकल देना चाहेंगे, तो ये फिजिकल हमारे पास किसका भाई? ये जो फिजिकल आपको दिख रहा ना, ये तो है कॉन्स्टेबल का, कॉन्स्टेबल का, और ये फिजिकल किसका है? SI का। कॉन्स्टेबल में मेल कैंडिडेट को 16 मीटर जो है 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, जबकि SI में 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना है कॉन्स्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड में, SI में 4 मिनट में। इसका मतलब है SI के लिए थोड़ा कम दौड़ना है, इतनी ज्यादा तेज गति से दौड़ना नहीं है। कॉन्स्टेबल के लिए लॉन्ग जंप है, मेल कैंडिडेट 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट। और यहां पर देखो कि SI के लिए लॉन्ग जंप है 12 फीट, हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। SI में फीमेल कैंडिडेट के 9 फीट और 3 फीट, इसमें कोई परिवर्तन इनके नहीं किया गया। उन्होंने कहा यह मिनिमम क्राइटेरिया, ये फुलफिल करना अनिवार्य है। क्लियर? ये नॉर्मल क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना अनिवार्य है। तो ये फिजिकल टेस्ट है। अब क्या हो गया सर, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आराम इजी से दौड़ सकते हैं। जो भी दौड़ की रनिंग की तैयारी करते हो आराम से दौड़ सकते हैं, दौड़ने की अभी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैंग नहीं है, फिजिकली फिट है तभी तो RPF की तैयारी करने जाओ, चाहे SI करो चाहे कॉन्स्टेबल। फिजिकली सारा मेजरमेंट पहले करवा लेना जरूरी है, उसके बाद आपको दौड़ तो आपकी प्रैक्टिस होगी, लॉन्ग जब हाई जब होगा प्रैक्टिस है। लेकिन कोई कहेगा सर मेरी तो उंगली टूटी हुई, तो वो फिर फिजिकली फिट है नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको देखने की अनिवार्य है। रेलवे में कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है? रेलवे में देखो कि लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी की बहुत संभावना है, RRVJ की है, RPF की है। इन दोनों भर्तियों पर अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि ग्रुप डी की भर्ती का होगा क्या। ग्रुप डी की भर्ती एक ITI के लिए अलग से आएगी, और जो 10th पास नॉन मेडिकल मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट वाला है तो उसके लिए अलग से आएगी क्या, या फिर एक ही आएगी? जो टेक्निकल पद है उसमें ITI अनिवार्य कर देंगे और जो नॉन ITI के पद है वो अलग कर देंगे। तो ये किस प्रकार होगा इसके बारे में उन्होंने क्लियरिटी दी नहीं। लेकिन बीच में एक और सूचना थी कि ग्रुप डी के कुछ पद हटा के ग्रुप सी में डाल दिए गए हैं, तो ग्रुप सी में डाल दिए गए हैं यदि कुछ पद टेक्निकल के, तो क्या उसके वैकेंसी टेक्नीशियन के साथ आएगी? ये क्लियरिटी उन्होंने की नहीं है, इसलिए ग्रुप डी के ऊपर भर्ती का भी कंफ्यूजन बना हुआ है। NTPC भर्ती के बारे में आज एक सूचना ही जिसके हिसाब से नोटिस चल रहे हैं, भर्ती कभी भी आ सकती है लेकिन अभी कह नहीं सकते। अब आप क्या हो गए सर, आप लोको पायलट के बारे में क्या बताने वाले हैं? लोको पायलट के बारे में यह बताने वाले हैं कि लोको पायलट की जो वैकेंसी है ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। ये जितनी भी वैकेंसियां हैं इन सब में सबसे पहले वैकेंसी ये आई हुई थी, उसके बाद में ये 2018 के फरवरी मई ये सब उसके बाद वैकेंसी आई हुई है, तो उस क्रम में तो सबसे पहले LPN टेक्नीशियन का नंबर आएगा। लेकिन देखो कि RPF की SI और कॉन्स्टेबल के बारे में ये मामला है कि चुनाव से पहले सरकार कोई भी वैकेंसी जारी कर सकती है, जो कि रेलवे की हो, ग्रुप डी भी वापस जारी कर सकती है, SI कर सकती है, कॉन्स्टेबल कर सकती है, LPN टेक्नीशियन कर सकती है। बट सबसे ज्यादा प्रबल चीजें हैं वो LPN टेक्नीशियन की है। LPN टेक्नीशियन के बारे में बता दूं कि आज से काफी महीने पहले तक DRM ऑफिस है, सारे पदों की सूचना उन्होंने सेंट्रल ऑफिस में ले ली गई है। अभी यहां पर कोई सूचना लेनी है नहीं, उनके पास सारी लिस्ट तैयार है, जब सूचना ले ली तो लिस्ट तो तैयार ही है। जिस दिन भी वैकेंसी जारी करनी होगी सीधी आपके सामने वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी जिस दिन आएगी उस दिन से आपको ये हड़बड़ाहट रहेगी हम किस प्रकार पढ़ें क्या पढ़ें। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भाई चाहे RPF क्या है, चाहे कॉन्स्टेबल क्या है, चाहे LPN क्या है, मैथ तो दोनों में सेम है, रीजनिंग दोनों में सेम है, GK दोनों में सेम है, साइंस दोनों में सेम है, CBT 1 इसका जो है वही तो इसका सिलेबस है, इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो LPN टेक्नीशियन के बच्चे को तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है कि अब मैं RPF के हिसाब से जाऊं क्या। तुम ऑलरेडी LPN टेक्नीशियन करो, तुम RPF के हिसाब से चल ही रहे हो, आप ऑलरेडी RPF से ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी क्या पढ़ रहे हैं, RPF के जो आता है ना उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं। GK में अभी थोड़ा आप सीरियस कब हो, तो GK में आपको सीरियस क्या होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, ये जरूरी कंडीशन है। तो ये LPN टेक्नीशियन की, RRVJ की वैकेंसी है,
ये एलपीएन टेक्नीशियन के तुरंत बाद ही आएगी, कि उससे पहले तो आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है नहीं। अब जीडीसी वैकेंसी जो डिपार्टमेंटल थी, अब जीडीसी की वैकेंसी के क्या है कि इनके एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज होने वाले हैं और ये एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। एग्जाम कंडक्ट हो गए तो सभी विद्यार्थियों को यह पता चलेगा कि अब एग्जाम का लेवल क्या रहता है, क्योंकि एजेंसियां तो वही रहती है ना। एग्जाम का लेवल क्या रहता है, सिलेबस डिटो सेम है, जो 2018 का लोको पायलट टेक्नीशियन का सिलेबस है वही अब की बार जीडीसी का सिलेबस है। तो सिलेबस में कोई बदलाव है नहीं, जल्दी इनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। जैसे इनके एडमिट कार्ड, इनका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, आपकी वैकेंसियों का रास्ता बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी खुल जाएगा। अब देखो कि वैकेंसियां जारी करना किसी भी टीचर का काम नहीं, किसी भी संस्थान का काम नहीं है, वो केवल और केवल रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। रेलवे डिपार्टमेंट में कोई डीआरएम ऑफिस के लेवल पर कोई काम नहीं है, सभी सेंट्रल ऑफिस के काम है। सेंट्रल ऑफिस ऑफिस में बैठते हैं रेलवे मिनिस्टर, उन सभी का है। हम उनको बार बार अवगत कराते हैं, कभी ट्विटर अभियान चलाते हैं, इस हिसाब से उनको अवगत कराते हैं कि भाई बेरोजगार काफी संख्या में है, आप जल्दी से जल्दी वैकेंसी जारी करो। आपने देखा था पिछले टाइम में जितनी भी वैकेंसी आई है सरकारों में, चाहे एसएससी जीडी की आई हो, चाहे और दूसरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हो, उन सभी में पदों की संख्या ज्यादा हुई है। ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि जब लंबे समय के बाद वैकेंसी आती है पदों की संख्या ज्यादा होती है, और चुनाव निकलने के बाद सरकार वैसे भर्तियों की परवाह ज्यादा करती नहीं है। तो अभी यदि भर्तियों की परवाह कर रही है तो आप अपने आप को तैयार रखो और इस भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर। अब यदि किसी विद्यार्थी को बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एलपीएन टेक्नीशियन का न्यू बैच ऑफलाइन तो हमारे प्रत्येक बुधवार चलता ही है जयपुर सेंटर पर, और एक बुधवार छोड़ के एक बुधवार को हमारा चलता है जोधपुर। जोधपुर में प्रत्येक महीने में दो ऑफलाइन बैच होते हैं और यहां पर आपके प्रत्येक बुधवार को ऑफलाइन बैच होता है, लेकिन ऑनलाइन बैच हम लगभग महीने में एक लेके आते हैं जो क्लासरूम से लाइव होते हैं। सारे हमारे ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव, यानी आप पढ़ते समय पूरी ऑफलाइन क्लासरूम की फीलिंग लेते हैं। यदि आपको मोबाइल को यहाँ रख के आपने ईयरफोन लगा लिया तो पूरी क्लासरूम की फीलिंग लेंगे। जो क्लासरूम का आनंद है वो इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। महीने में एक ऑनलाइन बैच होता है, जो ये बैच है हमारे कितने बजे आएगा, 8 बजे होगा 18 अक्टूबर से। इससे पहले वाला बैच है वो 20 सितंबर का था, अब ये कितने का आएगा, 18 अक्टूबर का बैच आएगा। क्लियर। आरपीएफ का न्यू बैच है, ये ऑनलाइन बैच होगा केवल, जो 4 बजे से शुरू होगा शाम को, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके और साइंस, ये 4 बजे से शाम को 8 बजे तक चलेगा आरपीएफ का बैच। इसकी नाम मात्र फीस पर ये बैच उपलब्ध होगा, जिस बैच के बारे में जानकारी आपको कोटिले क्लासेज के ऐप में मिल जाएगी। अब किसी बच्चे को है कि सर बुक कौन सी पढ़ू, तो मैथ्स एंड रीजनिंग की तो कोटिले क्लासेज का पब्लिकेशन से बुक आ चुकी है, पीआरपी से, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम 2022 में ग्रुप डी के सारे सवाल को सोल्यूशन सही दिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में उनको सोल्यूशन सहित दे दिए, तो ये तो दोनों बुक आ गई है। ये दोनों बुक 15 से 20 दिन में आ जाएगी, दिवाली पर हम आपको ये तोहफा दे देंगे। अभी इसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, मतलब करेक्शन हो रहा है सारा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये केवल एलपी की किताबें हैं, ये तो रेलवे के सभी एग्जामों के लिए है, ये केवल एलपी की। ये किताब जारी हो चुकी है, ये इलेक्ट्रिशियन बुक जारी है, फिटर की जारी है। डीजल वाली जो बुक है वो 15 से 20 दिन में आ जाएगी, तो जैसे आएगी हम आपको सूचना प्रदान कर देंगे। और आपने जितने भी विद्यार्थी कोटिले से जुड़े हैं उनको पता है कि कंटेंट बहुत भरपूर और बहुत ही दमदार होता है, जिससे आप एग्जाम टेक्निकल से संबंधित और नॉन टेक्निकल से संबंधित किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, यदि आपका कंटेंट दमदार है। तो पूरा दमदार टीम के साथ दमदार कंटेंट आपको तैयार करके दिया गया है, आप उनको पढ़िए बढ़िया तरीके से। अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट करने से अच्छा है मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बाकी चीजों पर करें तब करें। मैथ पर सबसे ज्यादा करो, फिर रीजनिंग पर करो, और फिर साइंस पर करो, फिर जीके पर करो, फोकस करो। वैकेंसियां 1 महीने बाद आएगी तो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 15 दिन बाद आएगी तो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने बाद आएगी तो भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम अपने आप को कोस के क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैकेंसी सरकार जारी करेगी, लेकिन जिस भी दिन जारी करे उस दिन अपनी दावेदारी सबसे मजबूत होनी चाहिए, और अपनी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए इसका मतलब हमारी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत तैयारी करना है तो पूरा दमखम लगा के पढ़ाई करो, और ये सोचो कि एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ने लगोगे तो लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो आप 4 घंटे के अंदर 6 घंटे का मैटर पढ़ोगे। यदि आप हो सकता पता नहीं भर्ती कब आएगी तो आप 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे 2 घंटे का मैटर। इसलिए आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो आपका कंटेंट ज्यादा पढ़ेंगे और इससे ही आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।